क्या कहा? सरवर ने महाराज का खून किया। सकता नहीं सरवर राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज का खून करते हुए, जेल से भागकर महाराज का खून करते हुए हाथों में शमशीर लिए भागता हुआ जा रहा था। मंत्री, कल से उस त्रिनेत्र ने मेरे पिताजी का खून किया है, मैं उस हराम खोर को चिंता नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जो मैं बताऊं उस तरकीब से काम करते रहो, कातिल का भी पता चल जाएगा और कातिल पकड़ा भी जाएगा। सरवर अगर भागा है खून करके तो अपने घर ही जा रहा है, इसी वक्त हम चलते हैं और वहीं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखा, इसे कहते हैं पेवर राजनी। पेवर राजनी, हम ठाकुर हैं और मैंने पहले भी बता दिया है कि जिस ठाकुर के अंदर राजनीति ना हुई हम ओकरे ठाकुर कभी नहीं। देखो, ये हमारी चाल है, विक्रम सिंह की चाल। ऐसी चाल चलूंगा कि ये साले मरेंगे और हम खड़े होकर तमाशा देखोगे। चलिए ठाकुर साहब। दरबारी, खड़े हो जाइए। क्यों, क्या बात है महामंत्री? आज इतने आंखें लाल की हुई तलवार लेकर मेरे सामने खड़े हो, आखिर बात क्या है? आंखें क्यों लाल है? तुम्हारे पूछने का मकसद? हम जानना चाहते हैं आखिर बात क्या है। महामंत्री, तो क्रोध में एकदम बावला हो रहा, क्रोध में एकदम बावला हो रहा, लाल आंखें जो मुझको दिखाने चला और लेके तलवार आया मेरे पास।
कभी नहीं हो सकता है महाराज दुर्जन सिंह। जब तक इस राज्य में है ये ताज और तख्त तेरा कभी नहीं हो सकता है। तो फिर ऐलान जंग का है महाराज। ओ तैयार हो जाओ। कभी हासिल नहीं होगा। और जिस तरीके तू मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा है तू भी एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा। देखा एक काम कर ले फटाफट महाराज की लाश को उठा और ऐसी जगह फेंक कि इनकी लाश का कोई पता ना चल सके। बहुत अच्छी बात ले जाओ। के साथ हसीना यानी अनवर खान के घर पहुंचना चाहिए। अब देखो हम वो आग लगाएंगे कि ये जलेंगे साले और आप खड़ा हो जाएंगे। या मेरे पाक परवरदिगार आलम ना तो मेरे भाई जान ना तो मेरे अबू जान ना जाने कहां है। अरे रे ना सच बता मत करना ही
मानती थी, आपको मुझसे अपनी सगी बहन से ज्यादा मानते थे। आकाश बाबू वाकई में कहावत लोगों ने सही कहा है कि मुसलमान पर भरोसा मत करो। देखा ये मुसलमान की छोकरी है ना, तुम्हारे पिता का खून इसके भाई शरवर ने किया और ये मारो मत भाई, मारो मत, कहीं लग जाएगा। शरवर बाबू, शरवर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आकाश भाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। देखा, इसीलिए कहता हूँ कि हिंदू में तो फिर भी एकता है लेकिन ये साले मुसलमानों में बिल्कुल एकता नहीं। देख रहे हो, राखी बांधती थी तुम्हारी कलाई में और झूठ बोल रही कि मेरे भाई का कोई पता नहीं है। ऐसे नहीं बताएगी, रहम दिल मत बोलो। अगर रहम दिल बोलोगे तो चाल खुल जाएगी। हसीना बता दी, अल्लाह कसम खा के कहती हूँ, पाक पल्ला दीवार अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। और मुझे हाल सच सच बता तू हसीना, सच बता तू हसीना, अच्छा है कहाँ बता दे मुझे आज बता दे मुझे आज, न जिंदा न छोड़ू और छिपा है कहाँ सरवर कम। हसीना, हाँ भैया, सराफत से पूछता हूँ बता दे, अन्यथा ये तेरा सर तेरी सितार में नहीं रहेगा। भैया अभी भी पूछता हूँ, बोल सरवर कहाँ है? मैं नहीं जानती, अगर तुम मेरा सर अलग करना चाहते हो तो बेशक कर दो लेकिन मैं नहीं जानती। मैं ना का शब्द नहीं सुन, और कजम से कम क्या कर रहे रहे।
बाबू, इस बेचारे की क्या गलती है? ये तो तुम्हें भाई मानती है, अगर मालूम होता तो बता देती। क्यों हसीना, तेरा भाई शरवर यहाँ आया था? नहीं आया? आया ही नहीं। कब से नहीं देखा तूने उसे? चाचा जी, आज करीब 10 रोज हो गए, न तो बापू न भैया कोई नहीं आए। कुंवर जी से पकड़ी और चलो, हम उस हरामजादे सरवर को ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता मत करें। चलो, यहां तक आता है तो हमें जरूर खबर करना, अन्यथा इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलिए कुंवर, चलिए। देखा हसीना, बहुत समझती थी कि आकाश मेरा भाई है। हाँ चाचा जी, अपने भाई सगे भाई के हाथों में राखी नहीं बांधती थी, लेकिन आकाश के हाथों में राखी बांधती थी, लेकिन आज मैं समझ गई। रो मत हसीना, नहीं तो हमें आंसू निकल आएंगे। देखो हसीना, तुम तो जानती हो बिटिया कि ये हिंदू सालों में एकता बिल्कुल नहीं है, हमारे मुसलमान में तो फिर भी एकता है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ ना। अच्छा जी, देखो बिटिया, ये राखी वाखी का ढोंग बंद करो, अभी अगर मैं ना होता मौके पर तो ये तुम्हारे सर को धर से अलग कर दिया होता। अच्छा जी, आप ना होते तो आकाश भाई मुझे मार देते। फिर भाई कह रही हो, साले झंडू बाम को भाई कह रही हो? लेकिन चाचा जी, मैंने हाथों में राखी बांधी है। अरे छोड़ो, अभी तो मुंडी काट लिया था, कह रही राखी बांधी हूँ। एक काम करना, आज के बाद ये भाई और बहन का रिश्ता खत्म कर दो, ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हारा भाई सरवर आता है जी, तो आकाश को खबर नहीं देना, नहीं वो उसे जान से मार देगा। सबसे पहले मुझे खबर देना, ठीक है चाचा जी? क्योंकि मैं आकाश को इधर उधर करके मामले को रफा दफा कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है चाचा जी, चलता हूँ बिटिया। चंदा